अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं। आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर, उसके घर में है दावत का खाना बनेगा, तो मैंने भी अपना कुछ हिस्सा डालना है। खाना उसने घर पर ही बनाना है, कुछ उनके एक्चुअली घर में पड़ रहा है लंटर और उन्होंने मिस्त्रियों को देना है घर में पका के खाना, तो वो उसने हेल्प के लिए मुझे बुलाया। तो मैं थोड़ी सी लेट तो हो गई हूँ, लेकिन चलो पहुँच जाऊँगी, अपना हिस्सा जितना भी हुआ डाल लूँगी। तो जाते जाते मैंने सोचा रास्ते में मैं आपको व्यू शेयर करती हुई जाऊँ अपने गाँव का। वैसे तो मैंने काफ़ी दफ़ा किया है, लेकिन इस दफ़ा भी मैंने सोचा आज मौसम भी बहुत प्यारा है, तो मैं आप लोगों के सामने ना व्यू शेयर कर देती हूँ। आसमान पे देखें कितने प्यारे प्यारे बादल, और साइडों पे भी जहाँ पे पहाड़ हैं उस साइड्स पे भी इतने अच्छे से बादल छाए हुए हैं और मौसम काफ़ी प्यारा है। कभी धूप निकलती है और कभी बादल आ जाते हैं, बस यही बादलों और धूप की आंख में चोली लगी हुई है। और वैसे मैं लेट हो रही हूँ, तो मुझे जल्दी जल्दी जाना चाहिए था, लेकिन घर के कामों में बस थोड़ा ख़त्म करते करते मैं थोड़ी लेट होगी। हाँ जी जी, हम लोग पहुँच आए हैं और यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा मकदार में हलवाई मौजूद थे, सारे अपने अपने हस्बे तौफीक चमचा हिला रहे थे। तो जब मैं पहुँची हूँ तो सारे एक साइड पे हो गए हैं और उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं ना अभी इस हांडी में अपना हिस्सा डालूँ। और ये देखें कितनी बड़ी देग है, और मैं तो वैसे ये पहली दफ़ा मैंने देग में हाथ डाला है और बनाने लगी हूँ। तो माशाल्लाह से गोश्त की भुनाई हो रही थी, तो मैंने सोचा अब मैं कर देती हूँ, क्योंकि जहाँ पे ये ईंटों का चूल्हा बनाया हुआ था ना, वहाँ पे जब वो कह रही हैं कि जब काम स्टार्ट किया था तब छाँव थी, और अभी आ गई है धूप, तो फिर सब ने अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालना है ताकि ये काम कम्प्लीट हो जाए। और मैं जी आग को ज़रा तेज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, और ये है मेरे हाथ में फूकनी, और इससे फूंके मार के मैंने आग को तेज़ किया। अब मैंने डाला है ऑयल, और ऑयल डालने के बाद मैं अच्छे से गोश्त की भुनाई करूँगी। वैसे आग काफ़ी अच्छी जल रही है, क्योंकि ये सूखी हुई लकड़ियाँ हैं ना, चमचा थोड़ा छोटा था और देगचा थोड़ा बड़ा था, इसलिए थोड़ा ना हिलाने में मुश्किल हो रही थी। अब मैं जी पीस रही हूँ सूखा धनिया, क्योंकि ये जो मैडम है ना, ये सारे मसाला जात पीस के नहीं रखती हैं, जैसे जैसे कुकिंग करती हैं तब थोड़ा थोड़ा पीस के ना हांडी में डाल लेती हैं, कि अगर ये कहती हैं कि अगर पहले पीस के रखो ना तो उनकी स्मेल नहीं होती। ज़ीरा मसाला भी उसी टाइम पे पीस के हांडी में डालती हैं, और सूखा धनिया भी। तो मैंने अभी सूखा धनिया डालना है जी, पीस लिया है, अभी मैं डाल देती हूँ। क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि ना हांडी थोड़ी स्पाइसी होनी चाहिए, तो फिर सारे मसाला जात कुछ ज़्यादा मकदार में ही डालें। अभी हरी मिर्चें एक एक कट लगा के डालते जाओ। बड़े खुशगवार माहौल में और बड़े इजी माहौल में कुकिंग हो रही थी, हंसी मजाक गप्पे सारा कुछ चल रहा था। ये जी आलू इन लोगों ने छील के काट के और भिगो के रखे हुए थे, तो वो मैं उनका पानी जो है ये इधर टमाटरों में डाल रही हूँ, टमाटरों के पौधे लगे हुए हैं, और इसके बाद मैंने आलू भी शामिल कर लिए हैं। और
आलूओं को शामिल करने के बाद थोड़ा सा भुना है, अब इसमें पानी ऐड करना है। उनके हिसाब से मैंने पूछ के डाला है कि कितने लोग हैं और कितना पानी डालना है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें। कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर किया करें।